हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज जैसे हमने देखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने मंडे को, जैसे फ्राइडे का जो मूव था उसको कैरी किया एंड गैप अप हुआ, एंड उसके बाद वी आर नॉट सीइंग सो मच मूव। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द सिनेरियोज दैट वी कैन एक्सपेक्ट मे बी टुमारो और मे बी इन नेक्स्ट फ्यू डेज। सो लेट्स सी। एंड सो आप देख सकते हो, जैसे आप निफ्टी को देख सकते हो, निफ्टी रिसेंट जो ऑल टाइम हाई है और अभी जो 18,600 है, तो निफ्टी इज़ मे बी रीचिंग टू द ऑल टाइम हाई। बट आज अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अगेन ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, एंड आप देख सकते हो लास्ट 3 डेज में राइट कंटिन्यूसली अप जा रहा है निफ्टी। आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 राइट। सो मे बी वी कैन सी लिटिल बिट कंसोलिडेशन अराउंड हियर और मे बी लिटिल बिट पुल बैक भी एक सिनारियो है। आई विल डिस्कस इन डिटेल जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो। बट जो ब्रॉड ट्रेंड है, इट इज़ अप ओनली एज यू आर सीइंग, अप मूव देन कंसोलिडेशन देन अप मूव देन कंसोलिडेशन देन एक अप मूव आया राइट। तो एक माइनर कंसोलिडेशन मे बी एक दो दिन का हो सकता है, एंड देन वी कैन सी अगेन अप मूव टिल जो मैंने आपको लेवल बताया 18,100 जो ब्रेकडाउन नहीं करता है। लेट सी इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम राइट। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट, जैसे आज गैप अप हुआ उसके बाद निफ्टी में कोई ज़्यादा मूव नहीं आया, मे बी टुमारो वी कैन सी सम टाइम का हियर एक ये भी सिनेरियो, एंड फिर यहाँ पे एक बेस बनाए एंड फिर निफ्टी एक नया बना, तो यू कैन लुक फॉर द रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज अराउंड जहाँ पे भी एक नीचे गिर के एक बेस बनाए, जैसे 18,500 है, 18,520 या 30 के अराउंड राइट। अनदर सिनेरियो इज़ कि यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करें एंड देन इट ब्रेकआउट, तो आप वहाँ पे देख सकते हो जो भी ब्रेकआउट आए बड़े वॉल्यूम के साथ, वहाँ पे आप लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो देर आर टू सीनारियोज, आइदर इट विल बी पुल बैक और इधर यही रेंज में निफ्टी कंसोलिडेशन करेगा। तो जब तक, जैसे स्पॉट अगर आप देखो 18,200 के नीचे जब तक नहीं जाता है, तब तक वी शुड ब्रॉड एंड माइनर दोनों ट्रेंड अप है, वी शुड हैव अ क्लैरिटी इन द माइंड राइट। एक कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हो वी हैव अ ब्रेकआउट राइट। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव टू सी, आगे क्या होगा नो बडी नोज। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने गैप अप किया अगेन ऑल टाइम हाई के ऊपर, एंड एक कंसोलिडेशन के बाद गैप अप है, बट लास्ट 3 दिन से उप जा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी इसी तरह मे भी कंसोलिडेट कर सकता है, जो बैंक निफ्टी में भी सेम सीनारियो है अगर आप देखेंगे तो। लेट मी ड्रॉ यू, एक अप मूव आया देन फ्राइडे को जो मूव आया, एंड देन वी हैव अ गैप अप राइट। सो मे बी बैंक निफ्टी भी एक सीनारियो नीचे में जाके एक बेस बनाया, एंड देन वी आर सीइंग अ न्यू ब्रेकआउट टू द ऑल टाइम हाई। सो वहाँ पे बेस बना के जो आया, तो वहाँ पे भी एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी इस टाइप के एरिया में हम ढूंढ सकते हैं। एंड दूसरा सीनारियो सेम वे, बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, एंड देन वी सी द बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट अराउंड दिस लेवल, एंड देन वी कैन पुट द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। जो ब्रेकआउट आएगा वही कैंडल के नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म पर्पज राइट। सो आप देख सकते हो दोनों ब्रॉड और माइक्रो दोनों ट्रेंड अप है, तो आपको ट्रेड यही ढूंढना चाहिए कि जहाँ पे तेजी में लो रिस्क अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है। लेट्स डिस्कस द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देख सकते हो ब्रॉड ट्रेंड अप ही है, एंड लेट्स सी द स्मॉलर टाइम फ्रेम। ओके या सो आप देख सकते हो ब्रॉड ट्रेंड और माइक्रो ट्रेंड दोनों अप है, कोई चेंज नहीं है, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कंटिन्यूसली अप ही जा रहा है। तो टील 9700 को ब्रेकडाउन नहीं करता है स्मॉल कैप इंडेक्स, वी शुड कीप लुकिंग अपॉर्चुनिटीज इन द लॉन्ग साइड राइट। लेट्स लुक एट द EIH होटल। सो पूरा ये ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है, और EIH होटल अगर आप देखेंगे तो 2007 देन 2018, लेट मी ड्रॉ आउट या 1 मिनट या अगर आप देखेंगे 2007 से लेके अभी तक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 16 साल का मैं। विल इट ब्रेक आउट? देर इज हाई चांस दैट इट शुड ब्रेक आउट राइट, बिकॉज द होल इंडस्ट्रीज इज डूइंग गुड, क्वार्टरली नंबर्स आर ऑल्सो गुड राइट। सो लेट्स लुक एट द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने अभी खड़ी हो रही है। आप देख सकते हो बड़े वॉल्यूम्स 2 बार शॉर्ट टाइम में आ चुके हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम, एंड नाउ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप, मैं और जूम आउट करता हूँ आपके लिए, तो इट बिकम बेटर फॉर यू टू यू नो सी। सो आप देख सकते हो लास्ट फ्यू डेज से एक रेंज में खेल रहा है EIH होटल, एंड वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है। तो आप देख सकते हो आज का जो हाई है, आज का हाई 208 के ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ सस्टेन होता है, तो 200 के एक रिस्क लेवल से
फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, रिस्क बहुत कम है. तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट. एंड जो भी हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप सब लोग भी लर्निंग करें कि कैसे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाए. दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, राइट? एंड लेट्स लुक एट द वन लार्ज कैप स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका रिजल्ट आया एंड स्टॉक ने गैप अप किया. तो ब्रॉड ट्रेंड, लेट्स सी फर्स्ट ब्रॉड ट्रेंड क्या है महिंद्रा एंड महिंद्रा का. महिंद्रा महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा मूव किया है, देन उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है लास्ट काफी टाइम से. और आप देख सकते हो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था. तो ये कंसोलिडेशन इज अ नॉर्मल, ये मार्केट का एक बेसिक बिहेवियर है. अगर आप मंथली भी देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है. तो दिस इज़ वेरी गुड स्टॉक. अगर आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिव्यू करना चाहिए कि डज दिस अलाउ इन योर प्रोसेस. तो आज का जो मूव है, मे बी आई थिंक एक दो दिन तीन दिन ऐसा हो सकता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट क्रिएट हो तो उसमें आई यू कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी ऑन द लॉन्ग साइड महिंद्रा एंड महिंद्रा. जो आज का लो है अगर आप पकड़ लो मोटा मोटी 1280 के नीचे नहीं जाना चाहिए ये व्यू के वैलिड रखने के लिए. एंड लेट्स लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन महिंद्रा महिंद्रा. जैसे मैंने आपको बताया एक दो दिन ऐसे यहाँ से करें, देन इट ब्रेकआउट तो लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी अराउंड दिस, राइट? सो आप लोग जरूर बताइए आपको हमारे ये डेली सीरीज कैसा लग रहा है. एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन, बिकॉज लाइक करोगे तो इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर, राइट? एंड ब्रिंग अ मोर कंटेंट टू यू. सो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 100 लाइक्स. तो आने वाले वीडियो में आई कैन ऐड मोर लर्निंग फॉर यू, राइट? सो थैंक यू सो मच. सी यू ऑल अगेन.